भारत के खिलाफ विरोधी रुख रखने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। फिलहाल उन्हें इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद 13 मई को नई सरकार की तस्वीर साफ होगी। गौरतलब है कि नेपाली संसद में कुल 275 सांसद हैं, जिनमें से 4 सांसद निलंबित हैं। विश्वास मत की वोटिंग में 232 सांसदों ने हिस्सा लिया था, इनमें से 124 ओली के विरोध में जबकि 93 ओली के पक्ष में रहे, वहीं 15 सांसद वोटिंग से गैरहाजिर रहे। जाहिर है हफ्ते भर में नेपाल में प्रधानमंत्री बदलने के आसार हैं।